लॉकडाउन के कारण ऐसे ही काफी सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। ऊपर से ये कंपनियां जहां पे आप काम करते हैं वो अब सैलरी देने से इनकार कर रही है। सैलरी देने के नाम पे आरे तीरे बहुत सारे बहाना बना रही है, पर वो सैलरी नहीं दे रही है। वर्कर्स को सही टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगा। लॉकडाउन में ऐसे ही काफी सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऊपर से कंपनी की जो मनमानी चल रही है, सैलरी देने के नाम पे उल्टे सीधे टर्म्स डाल रही है, वो सबको सैलरी नहीं देना चाहती। क्लियर बात ये है। और सैलरी देने के नाम पे बहुत ज़्यादा धमकी, किसी का सैलरी रोकने की धमकी, किसी को जॉब से निकालने की धमकी। तो इसमें बहुत सारे जो इम्प्लॉय हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कंप्लेन कहाँ करें। वो चाहते हैं कि उनको भी सैलरी मिल जाए, अपने घर परिवार को अच्छे ढंग से चला पाएँ, पर अब चलाएँगे कैसे क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रही। अब सैलरी नहीं मिले तो कंपनी से लड़ नहीं सकते। एक तो कोरोना वायरस के कारण अपने घर पे बैठे हुए हैं, घर पे बैठने के कारण बहुत सारे लोग वर्क एट होम कर पा रहे हैं क्योंकि उनके साथ ये पॉसिबल है कि वो कर पाए। बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते। किसी के साथ कुछ अलग अलग मजबूरी हो सकती थी क्योंकि लॉकडाउन के कारण सारे स्टेट में जो प्रॉब्लम है एक जैसी नहीं है। किसी जगह ये प्रॉब्लम नॉर्मल है तो किसी जगह ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है, कहीं कम है, पर मिला जुला के सब जगह है। पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमें कंप्लेन करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वीडियोस में देख रहा था सब कुछ मिलता है पर हमें वो चीज़ नहीं मिलता जहाँ पे हमको अगर कंप्लेन करना है तो हम किसको करें। एक राइट कॉन्टैक्ट नंबर या हमें मेल मिल जाए जिनको आप मेल कर पाओ, या फ़ोन नंबर मिल जाए जिस पर आप व्हाट्सअप कर पाओ, या उस पर्सन का नाम मिले जिससे हम कंप्लेन तो करें। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हैं कि उनके साथ प्रॉब्लम तो है, वो बेचारे झेल तो रहे हैं, पर उनके पास एक ऐसा बंदा नहीं है जिसको वो कांटेक्ट कर सके, जो उनका प्रॉब्लम सुने, जो उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं उसका प्रॉब्लम सुने। तो श्रम मंत्रालय द्वारा 20 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पे आप अपना कंप्लेन कर सकते हो। वहाँ पे डायरेक्ट में कॉल सेंटर है, वहाँ से रिप्लाई मिलेगा। और उसके अलावा आपको व्हाट्सअप नंबर मिलता है, आपको एक जीमेल आईडी मिलता है जिस पे आप मेल कर सकते हो, उस पर्सन का नाम मिलता है। हर स्टेट बाय स्टेट अलग है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा किस किस स्टेट में है उनके नाम भी हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहला अहमदाबाद, दूसरा अजमेर, तीसरा आसनसोल, चौथा बैंगलोर, पांचवा भुवनेश्वर, छठा चंडीगढ़, सातवां चेन्नई, आठवां कोचीन, नौवां देहरादून, दसवां दिल्ली, ग्यारहवां धनबाद, बारहवां गुवाहाटी, 13 हैदराबाद, 14 जयपुर, 15 कानपुर, 16 कोलकाता, 17 मुंबई, 18 नागपुर, 19 पटना और 20 रायपुर। इस सारे की लिस्ट मैं सामने भी डाल दूंगा, जिसका जो भी स्टेट पड़ता है, किसी के सामने हो, किसी का दूर हो, वहाँ आप कॉन्टैक्ट कीजिए। मुंबई में एक कैच है कि वहाँ पे जो गोवा है उसका भी नंबर है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर नाम है, उसका मैं पूरा लिंक डाल दूंगा, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। जो भी अपने लोकल क्षेत्र में हो वहाँ से जाइए, कंप्लेन कीजिए, वहाँ सुना जाएगा। पर्टिकुलर वहाँ पे नंबर है ऑफिसर्स का, आप ऑफिसर्स को अपना रीज़न बताइए, कारण बताइए कि कैसे कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है, आपका मंथ लग गया, सब कुछ हो गया, अटेंडेंस लग गया, पर आड़े टेढ़े बहाना बना रही है आपको सैलरी देने के नाम पर। मैं सारे नंबर सारा डिटेल इसमें डाल दूँगा, आप जाइए उनको कॉन्टैक्ट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सबको शेयर कीजिए। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉई है जिनको सैलरी नहीं मिला है, वो परेशान है, प्लीज़ ये वीडियो सबको शेयर कीजिए, सबकी मदद कीजिए। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।